डॉक्टर साहब, मेरे डैडी जी की नब्ज नहीं चल रही है, चेक करके बताइए इनकी नब्ज क्यों नहीं चल रही है। लगता है कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हम डैडी जी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जस्ट कॉल द एम्बुलेंस। जल्दी से मैनुअल कनेक्ट करो, बस यही एक आखिरी उम्मीद है इन्हें रिवाइव करने की। रेडी? क्यों है सब्जी जी, ये क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। कोई जेनसेट ऑन करो जल्दी। मैं देखता हूँ सर। अब मिस्टर गिल, अगर 2-3 मिनट में लाइट नहीं आई तो हमें इन्हें रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब डोंट वरी। हे रब्बा, क्यों हो गया है? सरब, मेजर शॉर्ट सर्किट हुआ है, पूरे घर की लाइट चली गई। सरब जी जी, मैं जाके जनरेटर भी चेक कर रहे, लेकिन जनरेटर भी नहीं चल रहा है, अब क्या करें? मैं जी, आप गाड़ी गेट पे लगाइए और बोनर ऑन करके रखिए, मैं अभी आया। ये लीजिए। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। पुत्र जी, घर में जितने भी एक्सटेंशन कॉर्ड्स हैं ना, उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके नानू के रूम से मेन गेट तक लगाओ। कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके okay. हक्का करो सरदार जी, और तो अनु मेरी सो, इस बार अगर आप मेरे को छोड़कर चले गए ना, तो रब दी सो, एश्वेंदी तो अने पीछे पीछे आएगी। एक्सटेंशन तो लिया है, बिजली कब तक आएगी? बैठ जी गाड़ी में, बैठ के। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, चलिए। इसे जल्दी से कनेक्ट कीजिए। रेडी जी, तुसी अगर आज गए ना, मैं तेरे नाल कदी गल नहीं करती। जपदा है जग सारा, तेरे हुक्म दे बिना। शुक्र मेरे पापा, तेरा लाख लाख शुक्र। मूंग दाल दा हलवा। सरदार जी,
जिंदी रह गुड़िए, आज तू अपने डैडी जी को मौत के मुंह से खींच लाए। माँ पियो औलाद को जन्म देते हैं, लेकिन आज तूने अपने डैडी जी को नया जन्म दिया। तूने अपनी मम्मी जी का सुहाग बजाया। रब तेनू बहुत खुशियां दे पुत्र, बहुत खुशियां दे। मैं तेरा एहसान हूं, कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे क्यों भूल रहा मम्मी जी, डैडी जी है मेरे, इसे थोड़ी ना जाने देती मैं। ओ बेखिया जी, ओ साड़ी मेहर कुछ भी कर सकती है। साड़ी मेहर हम पे रब दी मेहर। नहीं मम्मी जी, ये मेरे सरदार जी, मेरे उत्ते रब दी मेहर। मेरे पुत्र, पिछले जन्म में मैंने जरूर मोती दान की उन्हें, जो तेरे जैसी थी, और सरबजीत जैसा जवाई, और इन्हें प्यारे दोते दोती और पोता मिला। जेल में 25 साल मैंने अपने आप को बड़ा अकेला महसूस किया, फिर रब ने मेरा जग्गा भी अपने पास बुला लिया। दाता दी मेर देखो, मेरा परिवार मुझे मिल गया। एक ख्वाहिश आगी बस चाहना सी कि मेरी एक फोटो हो जाए मेरे सारे परिवार दे नाल। मैं बीच बैठा और आले दुआले सारा परिवार बैठा हुआ। डैडी जी तुझे फिक्र ना करो, थोड़ी एक ख्वाहिश असी जरूर पूरी करा, क्योंकि कल क्या है? फोटो डे। एग्जैक्टली, फोटो डे, और कल होगी खूब सारी मस्ती। देखा मैं जी, मैंने कहा था ना, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, अंत में रब सब ठीक कर देंगे। मैंने भी तो कहा था। क्या? यही कि जब सरब मेहर हो संग, तो जीत लेंगे। सोनिए मैं क्या गुड मॉर्निंग सोनिया? आज तो मॉर्निंग और भी ज्यादा गुड हो जानी है। ऐसी आओ, ऐसी सरबजीत जी देखिए, सरबजीत जी रुकिए। क्या हुआ? रेडी। गुड मॉर्निंग बच्चों पाड़ी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। सो सबको याद है ना आज क्या है? फैमिली फोटो डे। एग्जैक्टली। सो आज से 24 जुलाई हर साल होगा हमारा फैमिली डे। मैं मम्मा पापा, फैमिली डे में क्या होता है? फैमिली डे वाले दिन पूरी फैमिली हर काम एक साथ करेगी। सेम टू सेम।
गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है। आप क्यों हंस रहे हो? गुदगुदी हो रही है मुझे भी, मुझे भी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, चलो अभी मस्ती करते रहोगे, बाल बाल सुखाते रहोगे या बाहर ब्रेकफास्ट के लिए भी आओगे? दी तुसी चलो असी हुड़े आए। मेहर जी। ओ नो मेहर जी। क्या हुआ? मैंने आपको अपने हाथ से खाना खिला दिया। हाथ तो वैक्सली आज जब मैं वॉशरूम गया था ना, हाथ पे मैंने हाथ ही धोए थे। आपका मजाक तो ना मैं आज निकाल दूं। ये देखिए हाथ एकदम साफ है, देखिए साफ साफ सुथरे हाथ, सच में। रानी हट पीछे। सर जी जी मैं जी I'm really sorry, मैं जी मैं मजाक कर रहा था सीरियसली। अजय जी सरब जी जी के लिए जरा जूस लेकर आना। करण पुत्र मेरे रूम में जाएंगे जरा, वहां पर जमाल गोटा की पूरी बॉटल पड़ी है, फट से लेकर आओ। ए बादू जी, नो नो, आपकी प्रॉब्लम क्या मैजी? क्या बार बार जमाल गोटा बीच में ले आती है? आपका जमाल गोटा का होलसेल बिजनेस है क्या? जी नहीं, वो ऐसा है मिस्टर जटन टॉयलेट कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यू कॉल्ड मी अ भूत? हाँ मुझे, हाँ मुझे, यस ओके नो प्रॉब्लम। एंड यू नो व्हाट, आज भूतों की बिरादरी ना बड़ी ज्यादा खुश होनी है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में इतना डैशिंग, इतना हैंडसम और इतना स्मार्ट और गबरू भूत जो ऐड हो गया। सरब जी जी, इतनी बड़ी गलत फैमिली में रहते हैं ना आप अपने बारे में। व्हाई? क्योंकि मैं हैंडसम नहीं हूं, डैशिंग भी नहीं हूं, स्मार्ट भी नहीं हूं। सबको वो गाना याद है जो मैंने एक बार आपको सिखाया था? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश, जय हिंद। चलो उन छेती छेती कर लो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओए छेती सलूट नहीं करना, फोटो दी तैयारी करनी है, फोटोग्राफर आ गया। ओ चलो जल्दी, कम 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 कम। सैर पुत्र देख लो पग कैसे बांधे, अगर कभी मम्मा ना हो तो आप अपने दोनों भाइयों को पग बांधने में हेल्प कर। नो मैं मम्मा, हम आप ही के हाथों से पग बनवाएंगे। जब आप हमारा पग बांधते हो तो आपके फिंगर्स हमारे फोरहेड पे टच होती है और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पग बांधते हुए माथे पे उंगलियां टच। सरब, you're too much। मेहर जी मेरे माथे पे भी उंगलियां। मेरा मतलब है मेरी भी पग बांधो ना प्लीज। मिस्टर ड्रामेबाज जटिल टॉयलेट, उसने घरेली बांध रही। थैंक यू। अब किस खुशी में मेरी बाप अकड़ी? किस खुशी में नहीं, किसकी खुशी में? किसकी खुशी में? किसकी? वही तो मैं पूछ रही हूँ, किसकी? वही तो मैं भी बता रहा हूँ, किसकी खुशी? अच्छा तो आपको किस
किस खुशी में चाहिए? चुपचाप जाकर अपना काम करिए। ये तो चीटिंग है। आपने परम करण की पगड़ी बांधते हुए उन तीनों को किस किया? तो मैं की जुर्म की थी। समझी जी, आप क्या कर रहे? बच्चे देख रहे हैं। बच्चों, हम कुछ भी नहीं देख रहे। देखा तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तीनों की आंखें बंद। चलिए ना मेरी जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन आप पहले अपनी आंखें बंद करिए। रियली? ओके। भारत जी। ओए होए, ओए होए मेहर जी, आज तो आप बन गई हैं किस क्वीन। मांगी थी एक, मिल गई है तीन। तीन? वाओ। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बच्चों, आज तो आपकी मेहर मम्मा गई। सरबजीत जी नो। मेहर जी, एक किस क्या कर दी आप, तो यूएफओ बोलने लगे मुझे। नहीं सरबजीत जी, आप यूएफओ नहीं, मेरा मतलब है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मैजी, हाय रब्बा, देखा सरबजीत जी, मैंने कहा था ना यूएफओ। मैजी, ये यूएफओ नहीं, एफएफसी है, मींस फुल फैमिली कैमरा। आज पूरे फैमिली डे को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि हसीन पल, ये खुशनुमा यादें हमेशा के लिए इस कैमरे में कैद होकर रह जाए। Well, अगर ऐसी बात है तो मैं आज मेहर को और गिल सबके सामने डंके की चोट पे सीना तान के बोलना चाहती हूँ, आई लव यू सरबजीत जी। जो मुझे इतना सारा प्यार करे जैसे पापा आपको करते हैं। पुत्र जी, जब आप बिग हो जाओगे ना तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई जरूर आएगा जो आपको इतना सारा प्यार करेगा जितना पापा मम्मा को करते हैं। वो आपको इतना सारा प्यार करेगा जितना मम्मा पापा को करते हैं।